माय चैनल। मैं आपकी दोस्त कामना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की जो मैं ब्यूटी टिप्स लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा असर करती है, 100% नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे मैं इस वीडियो में क्या बताने वाली हूँ। तो चलती हूँ वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। तो जल्दी से आके मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलती हूँ मैं वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगी ये ब्यूटी टिप्स से यूज करने के क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं आपको और इसे कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है, ये सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप लोग स्किप कर दोगे फिर आप लोग को समझ भी नहीं आएगा और फिर आप लोग कॉमेंट करोगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं ब्यूटी टिप्स स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को हल्दी का जेल बनाना सिखाऊंगी जो कि काफ़ी असरदार है। आपकी स्किन में एक्ने है, पिंपल्स हैं, डार्क स्पॉट हैं, झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, रिंकल्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। आपकी स्किन को कोरी निकली, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो गई है उसे भी ये टाइट करेगा। आपकी स्किन में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो गई है उसे भी ये मिनिमाइज करेगा। आपके स्किन में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करेगा। तो ये जेल काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ईजली बन जाता है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है, धूप की वजह से आपका चेहरा काला पड़ गया है, तो ये सारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा। आइए देख लेते हैं इस जेल को बनाना कैसे है। इस जेल को बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक कच्ची हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी। उसे अच्छे से धुल लेंगे, अच्छे से साफ कर लेंगे, उसके बाद एक ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट कर लेंगे। उसके बाद हमें एक ग्लास पानी लेना है, उस पानी में इस हल्दी को डाल देना है, अच्छे से पका लेना है। जब आधा ग्लास पानी बचे तब हमें गैस को बंद कर देना है। अब पानी को ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये पानी किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अब इसके बाद हमें एक क्लीन बाउल लेनी है और उसमें हमें 3 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है और हमें उसके बाद 1 विटामिन ई का कैप्सूल लेना है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप यहाँ पे 3 विटामिन ई के कैप्सूल ले सकते हैं। उसके बाद हमें 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करना है। अब हम यहाँ पे हमने जो हल्दी का पानी बनाया था अब उसको हम यहाँ पे 5 से 6 चम्मच ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छे से मिला लेंगे। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारा ये जेल बनके पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम एक खाली कंटेनर लेंगे, उसमें हम इसको स्टोर करके रख देंगे। हम इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। मैं बताने जा रही हूँ इस जेल को आपको लगाना कैसे है अपने फेस पे। सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है और उसके बाद इस जेल को अपने फेस पे लगा लेना है। आप 2 बार अपने फेस पे लगा सकते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप इसे ओवरनाइट में लगा के छोड़ दीजिए, मॉर्निंग में नॉर्मल पानी से अपने फेस को अच्छे से साफ कर लीजिए। फिर आप देखेंगे आपका फेस पहले से ज़्यादा गोरा, निखरा, चमकदार नज़र आएगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी ना तो वो भी आपकी स्किन ड्राई नहीं लगेगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आएगी। तो ये बहुत ही अच्छा जेल है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी ब्यूटी टिप्स ट्राई करते रहिए।
हवाई, टेक केयर।